खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे चूर ना होने दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास हिल जाता है? कितनों को लगता है? ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, लेकर ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आता है उस पेज की पांचवी छठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते थे कि अपने आप को कम मत मानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे।